Hello, welcome back to the channel everyone. I hope you people are doing absolutely fine. So today's video is all about the new flyover which has been constructed at Borivali Kora Kendra Junction, जो कि माना जाता है कि बोरीवली का ट्रैफिक अराउंड 20-25% से कम कर देगा। ₹121 करोड़ कोरा केंद्र फ्लाईओवर प्रोजेक्ट जो कि अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ था, बीएमसी ने ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है कनेक्ट करने के लिए कैरियप्पा फ्लाईओवर जो कि बोरीवली वेस्ट में है। वंस एंड फॉर ऑल ये अगर कम्प्लीटली जब पूरा हो जाएगा सो मोटरिस्ट स्पेशली टू व्हीलर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी लिंक रोड से कोरा केंद्र फ्लाईओवर और फिर डायरेक्टली नीचे आते हुए कैरियप्पा फ्लाईओवर के लिए। जो कि ये फ्लाईओवर स्ट्रेच होने वाला है कोरा केंद्र ग्राउंड से बाईपास, जो कि सबसे दो बिजिएस्ट लेन माने जाते हैं बोरीवली में, कल्पना चावला चौक एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगा लिंक रोड पर। वंस कम्प्लीटेड द 972 मीटर लॉन्ग एंड 15.3 वाइड मीटर लॉन्ग जो कि ये पूरा कम्प्लीट फ्लाईओवर होने वाला है, जिसमें से अराउंड अप्रॉक्स ऐसा माना जाता है वन ऑफ द चीफ इंजीनियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा है कि 10,000 व्हीकल्स आर लाइकली टू यूज़ दिस ब्रिज डेली, जो कि अक्टूबर के एंड तक स्टार्ट किया गया था 2019 में, जिसका मेजर एक ही रोल है कि बोरीवली कोरा केंद्र से आने वाली जो ट्रैफिक है वो कम की जाए। सॉरी गाइस, ये वाले वीडियो में बहुत छोटा रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाले वीडियो की भी एडिटिंग शुरू करनी है। जैसे मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में, मैं गोप्रो की बैटरी सेव कर रहा था एज मैंने ऑलमोस्ट इन वन एंड हाफ आवर में ये तीन वाले जो लेन्स है वो कवर किए थे, जो मेट्रो लाइन 7 और ये वाला ब्रिज। सो सॉरी दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वीडियो डाला है तो मोस्ट ऑफ टाइम मुझे यहाँ पर ट्रैफिक मिलता ही है, बहुत ही कंजेस्टेड है, इसलिए मैं एडिट करके आपको जितना पॉसिबल है उतना काम दिखा रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग पैंडमिक की वजह से यहाँ पे इतना काम नहीं दिख रहा है। वंस दिस ऑल इज सॉर्टेड आई होप कि ये जल्द से जल्द हो जाए और इसका एस्टिमेटेड कंप्लीशन ईयर ऐसा दिया गया है कि 2020 एंड तक ये हो जाना चाहिए था, तो ये 2021 के एंड तक जो कि अक्टूबर है 2 साल तक उसको एस्टिमेट किया गया है। सो लेट्स सी अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोजेक्ट एज़ वेल। दैट बिंग सेड गाइज, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज स्टे विद मी, स्टे विद दिस चैनल एज वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग अप। स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन कीप राइडिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, बाय।